नमस्कार दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से होता है, यानी कमोडिटी मार्केट के ट्रांजैक्शंस पर आयकर विभाग किस प्रकार से इनकम टैक्स लगा सकता है, या आपको अपनी रिटर्न भरते समय कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस को आयकर रिटर्न में किस प्रकार से प्रस्तुत करना है उसकी इनकम को, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के आज की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो दोस्तों, अपने प्रश्नों को एक बार कवरेज के रूप में क्विकली आपके सामने रखता हूं। व्हाट इज कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस? डज इट गिव राइज टू कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम? क्या कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शन से दोस्तों हमें कैपिटल गेन होता है या बिजनेस इनकम? वेदर कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस गिव राइज टू स्पेकुलेटिव इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम? यानी इन ट्रांजेक्शन से हमें जो आय होती है वो सट्टे की आय होती है या गैर सट्टे की आय माना जाएगा? व्हाट आर द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल ऑन कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन्स? Expenses which are allowable against the commodity market transactions and whether the tax audit applicability is also there on commodity market transactions or not. तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इस बात को थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेता हूं कि व्हाट इज कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस। कि आप कमोडिटी शब्द को तो सब समझते हैं कि कमोडिटी इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एनी काइंड ऑफ टेंजिबल गुड्स दैट कैन बी इंटरचेंज विद अदर गुड्स ऑफ द सेम टाइप। अगर इस टेक्निकल डेफिनेशन के बाहर जाकर बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं सर कि कमोडिटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कमोडिटीज मेटल के फॉर्मेट में भी हो सकती हैं, प्रीशियस मेटल भी हो सकती है और नॉन प्रीशियस मेटल्स के रूप में भी कमोडिटीज हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोग सर या तो अपने व्यापार से जुड़े होने की वजह से कि वो एग्री कमोडिटी में डील करते हैं या वो किसी प्रकार के मेटल में डील करते हैं, इसलिए उन्हें कमोडिटी मार्केट पर जाकर ट्रांजेक्शन करने होते हैं, या बहुत सारे लोग एज एन इन्वेस्टर जिस प्रकार से शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन करते हैं उसी प्रकार से दोस्तों वो कमोडिटी मार्केट के भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहां पर ये कहना चाहूंगा कि कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन इंक्लूड ट्रेडिंग इन मेटल्स, बुलियन एंड जेम्स, एनर्जी। ये एक और बात सुनिए सर आप, इवन एनर्जी तक को भी, यानी पावर सेक्टर भी इसके अंदर कवर है, एनर्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यानी ऐसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो आप ट्रांजेक्शन करें, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। इंडिया में MCX यूजुअली मेटल्स के ट्रांजेक्शन करने में, मेटल्स के कमोडिटी ट्रांजेक्शन करने में काम में आने वाली संस्था है। NMCE नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये जनरली सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कमोडिटी संबंधी ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार से NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज भी एक संस्था है जो इंडिया में कार्यरत है। अब मैं अपने टैक्सेशन के पॉइंट पे आ रहा हूं दोस्तों। डज इट गिव राइज टू कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम? आप यदि कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं या कैपिटल गेन इनकम कमा रहे हैं? तो मेरा आपसे प्रश्न है, आर यू अ हेजर और अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर और एन आर्बिट्रेजर? अब इन तीनों बातों को समझिएगा सर बड़े ध्यान से। हेजर का मतलब तो क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के साथ में एक फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं उसको 50 क्विंटल गेहूं बेचूंगा। अब मुझे डर है कि मैंने जिस रेट पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कहीं गेहूं के भाव उससे ज्यादा ना चले जाएं, तो मेरे को एक और कॉन्ट्रैक्ट गेहूं के खरीदने का भी फॉरवर्ड में करके रखना है। तो दिस कुड बी दैट आई एम डूइंग अ हेजिंग ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल इन्वेस्टर क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे 2 किलो सोना खरीद करके रखना है, तो अब मैं 2 किलो सोना फिजिकल में लेकर के रखूंगा सर, तो मेरे लिए उसकी रिस्क कितनी बड़ी हो सकती है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने वो 2 किलो सोना की जो भी वैल्यू बनती है, और यहां तो मुझे मार्जिन पे खरीदने का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने एज एन इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया। आर्बिट्राइजर क्या होता है सर? आर्बिट्राइजर वो पर्सन है दोस्तों जो दो अलग अलग एक्सचेंज की रेट डिफरेंस का बेनिफिट उठाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी इनकम इन ट्रांजेक्शन से कैपिटल गेन होगी या बिजनेस इनकम होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं ये ट्रांजेक्शन हेजिंग के लिए कर रहा हूं, एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर कर रहा हूं या एज एन आर्बिट्रेजर कर रहा हूं। हेजिंग और आर्बिट्रेजर मोर और लेस सर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टर का ट्रांजेक्शन अगर बहुत फ्रीक्वेंसी में हो तो उसे बिजनेस माना जाएगा, नहीं तो वो कैपिटल गेन की इनकम भी दे सकता है। अब यदि दोस्तों मैं ये मान लूं कि कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन से बिजनेस इनकम हो रही है क्योंकि आप बहुत फ्रीक्वेंसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्योंकि यहां पर बहुत सी बार कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन में एक्चुअल डिलीवरी एब्सेंट होती है, तो बहुत संभव है कि आपकी इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेकुलेटिव इनकम मान ले। आप बोलेंगे भटिया जी स्पेकुलेटिव इनकम मान ले तो मान ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दिक्कत यह है दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
नॉर्मल बिजनेस की इनकम को और स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम को, दोनों को अलग अलग रख करके देखता है। जब तक आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में भी प्रॉफिट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी माने जाने पर लॉस हो गया, तो वो लॉस आपके नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन से अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं तो वो कहीं स्पेकुलेटिव इनकम तो नहीं है। इस और दोस्तों मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा सेक्शन 43(5) की ओर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो ये कहता है एज पर सेक्शन 43(5) प्रोविजो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल नॉट बी ट्रीटेड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। आगे लिखे ट्रांजेक्शन दोस्तों स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। क्या अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज entered into by a person in the course of his manufacturing or merchanting business to guard against loss through future price fluctuation in respect of his contract for actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him. मैं इस बात को एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं सर। मैंने अभी आपको बोला कि मैंने 50 क्विंटल गेहूं का सौदा किया, मान लीजिए किसी व्यापारी के साथ में, कि मेरी रेट तय हुई, मैं उसे 2000 रुपए क्विंटल की रेट पर माल बेचूंगा। अब मुझे लगा कल को किसी वजह से फसल खराब हुई, हो सकता है मुझे मार्केट से गेहूं 2400 रुपए पे खरीद के 2000 बेचना पड़े, नुकसान हो जाए। तो मैं फ्यूचर मार्केट में जाकर के, फॉरवर्ड मार्केट में जाकर के, कमोडिटी मार्केट में जाकर के 50 क्विंटल की मैंने एक क्वांटिटी, अगर वो अलाउड है तो, खरीदी से एट द रेट 1950। तो अब मैंने तय कर लिया कि मुझे 1950 पे तो माल मिल जाएगा और 2000 पे मैं बेच दूंगा। मान लीजिए दोस्तों बंपर फसल होती है और गेहूं मार्केट में मेरे को मिल रही है 1800 रुपए की रेट पर, तो मुझे 1950 रुपए वाला 1950 के ट्रांजेक्शंस को प्रीमियम दे करके खत्म करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का मेरा लॉस हो गया, मैंने एक्चुअल डिलीवरी ली नहीं और मैंने वो जो लॉस खाया सर, ये स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं होगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है सर, या इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है सर, वो ये कहता है अगर आपने एक्चुअल डिलीवरी ली नहीं, दी नहीं और उसके बिना सौदे को सेटल कर लिया, वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में ऐसी कमोडिटीज में डील करता है और उसने उन पर्टिकुलर कमोडिटीज के संदर्भ में अपने फ्यूचर के लॉस को गार्ड करने के लिए, सुरक्षित होने के लिए कोई ऐसा सौदा बुक किया है जिसे अल्टीमेटली उसने बिना डिलीवरी के सेट ऑफ किया है, तो ऐसा लॉस दोस्तों स्पेकुलेटिव लॉस नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ जॉबिंग और आर्बिट्राज टू गार्ड अगेंस्ट लॉस विच मे अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच मेंबर, उसको भी दोस्तों किसी प्रकार से स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। और इसके साथ साथ सर, अगर आपने एक एलिजिबल ट्रांजेक्शन, बड़े ध्यान से समझिएगा सर, एन एलिजिबल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज चार्ज टू कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2013। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एमसीएक्स में भी सौदे किए जाते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दोस्तों आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन जिस प्रकार से शेयर मार्केट में सुने हैं, उसी प्रकार से सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजेक्शन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी होंगे। तो वहां पर जो आपके सौदे होते हैं उन पे अगर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ड्यूली एप्लीकेबल हो चुका है, तो ऐसे ट्रांजेक्शंस में चाहे आप बिना डिलीवरी बेस भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो इनकम दोस्तों स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं मानी जाएगी, दैट विल बी ट्रीटेड टू बी अ नॉर्मल बिजनेस इनकम। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नेचुरली आपके दिमाग में ये आएगा कि भटिया जी, रेट जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन पर क्या होगी। बेसिकली सर, क्योंकि कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन ज्यादातर बिजनेस इनकम बनेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप पर जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है या कंपनी है तो जो आपकी टैक्स रेट है, आप पार्टनरशिप फर्म है तो जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होगी। हाँ, अगर आप कैपिटल गेन की हेड में इस इनकम को ऑफर करें, जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 किलो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया किसी सौदे को, वहां पर जो मेरे को गेन हुआ वो कैपिटल गेन होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म हो गया यानी 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं मुझे 20% टैक्स रेट लगेगी। लेकिन ये प्रपोजिशन बहुत हद तक हाइपोथेटिकल है, ज्यादातर इतने लंबे समय तक सौदे होल्ड नहीं होते, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आप पर 11 टैक्स रेट एप्लीकेबल है दोस्तों, वो आपको टैक्स रेट कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल होगी। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, एक्सपेंसेस अलाउबल फॉर इनकम कंप्यूटेशन, के अगर आप कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन से कोई इनकम कमा रहे हैं तो आपको क्या क्या खर्चे मिलेंगे। जैसे आपने ब्रोकरेज दी, आपने किसी प्रकार से कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के चार्जेस दिए, आप पर
ब्रोकरेज अगर लगी तो वहां जीएसटी एप्लीकेबल हुई, कोई सेबी टर्नओवर फीस लगी, किसी प्रकार से स्टैंप ड्यूटी लगी या अदर स्टेचुटरी लेवीज लगी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, ये जितने भी खर्चे आपके हैं, अगर आपने एज अ बिजनेस अपनी इनकम को दिखाया है, तो ये सारे खर्चे आपको डिडक्शन के रूप में अलाउड होंगे। परचेजेज में ये सब आपकी परचेजेज में जोड़े जाएंगे और नेट सेल्स की कंप्यूटेशन में आपके ग्रॉस सेलिंग प्राइस में से घटाए जाएंगे। अंत में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेता हूं सर, वेदर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल ऑन सर ट्रांजेक्शंस और नॉट, अगर है तो फिर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। मेरा ये कहना है दोस्तों, इफ द टर्नओवर कंप्यूटेड फॉर सर ट्रांजेक्शन एंटर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एज द केस में बी, देन द टैक्स ऑडिट कॉन्सिक्वेंसेज शैल अट्रैक्ट। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए वैसे तो 1 करोड़ प्लस के ट्रांजेक्शन पर टैक्स ऑडिट है, लेकिन अगर आपका कैश रिसीट कैश डिपॉजिट टोटल टर्नओवर के 5% से ज्यादा नहीं है, तो 5 करोड़ के लेवल तक भी दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं। और वित्त वर्ष 2021-22 में 21-22 में सर ये टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ कर दी। कहने का मतलब ये है, आप यदि कमोडिटी मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस इनकम में दिखाने वाले हैं और आपका टर्नओवर इन लिमिट से जो मैंने यहां डिस्कस करी उनसे ऊपर नहीं है, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। और यदि इस लिमिट से ऊपर है तो दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी होगी। तो अंत में दोस्तों, मैं समझता हूं कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शन पर बनाई गई ये छोटी सी वीडियो आप तक कुछ हद तक टैक्स की क्लैरिटी कमोडिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस पर पहुंचाने में सहायक होगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो टैक्स से रिलेटेड तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।